हेलो जय हिंद बच्चों, मैं सुशील कुमार, डायरेक्टर कुमार एकेडमी। बच्चों, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करें। अभी कुछ हरियाणा से बच्चों का कॉल आ रहा था, उनको एक कन्फ्यूजन है कि नोटिफिकेशन में केवल दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, गुड़गांव कि ये बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चों। जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है ऑल हरियाणा, तो हरियाणा के जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बच्चे प्लस आईआरओ के अंडर में जो आता है दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, मेवात और गुड़गांव, ये पांचों डिस्ट्रिक्ट, ये सभी बच्चे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ज्वाइंट इंडियन आर्मी की साइट पर होगा, और ये जो भर्ती है ये 9 दिसंबर से स्टार्ट होकर 13 दिसंबर तक होगी। इस भर्ती का जो वेन्यू है वो है आपका ये राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक, हरियाणा में, यहाँ पर ये भर्ती कंडक्ट होगी। इस भर्ती में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th 50% एग्रीगेट मार्क्स सभी सब्जेक्ट का और 40% इन ईच सब्जेक्ट, और आपके जो सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हैं, या इसके साथ आपके पास बोटनी और जूलॉजी भी हो सकता है, तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। बाकी जो एज में, हाँ इस बार रिलैक्सेशन जरूर दिया है, तो जो एज है वो 17.5 साल से 25 साल रखी गई है, और ये जो एज इफेक्टिव मानी जाएगी वो 1 अक्टूबर 2022 तक ये एज को आपको कैलकुलेट करना है। हाइट में जो आपका पुराना क्राइटेरिया था वही है, हाइट दिल्ली और हरियाणा के बच्चों के लिए 170 सेंटीमीटर है। वेट जो होता है वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग होगा। चेस्ट जो है वो मिनिमम 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट में एक्सपेंशन होना चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलते हैं, जो सर्विंग सोल्जर, SOVX, SOW, वो सेम ही रखे गए हैं, जैसे हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, आपका चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 kg की। बाकी जो आपका फिजिकल, जो बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे, आपका 1600 मीटर का दौड़ होगा, आपकी 10 बीम होंगी, आपका जिगजैग और 9 फिट का आपका गड्ढा। जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उनका आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट करने के बाद आपका CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो उसका सिलेबस ऑलरेडी इंडियन आर्मी की साइट पे दिया हुआ है। तो जो भी बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट की इस एलिजिबिलिटी में आते हैं तो वो अपना अप्लाई करें। बाकी यदि किसी बच्चे का फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो हमारे अकेडमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9212926530 पे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, या जो अपना कमेंट बॉक्स है इसमें अपना कमेंट लिख सकता है। बाकी इसके ऊपर हमें डिटेल वीडियो भी बना रहे हैं, तो वो कल आपके जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड हो जाएगा। बाकी बच्चों, जय हिंद, जय भारत।